नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे 2 करोड़ घुसखांड की। तो इस मामले में आरोपी दिव्या मित्तल को एसीबी की जो टीम है वो अजमेर लेकर जा चुकी है और यहां पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसओजी अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने 50 लाख की रिश्वत मांगी थी। अब इसके आरोप में कल शाम को जयपुर एसीबी मुख्यालय में मित्तल को गिरफ्तार किया गया और घुसखांड की अहम कड़ी बर्खास्त कांस्टेबल सुमित कुमार जो है वो अब भी फरार है। इस मामले में 5 जगहों पर दबिश दी गई थी और अब दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 करोड़ घुसखांड से जुड़ा हुआ ये पूरा जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आरोपी दिव्या मित्तल जो है उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी अशोक बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अशोक, जानकारी ये है कि दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पर कहा जाएगा और कितने दिन की रिमांड जो है वो एसीबी की तरफ से ली जा सकती है? जी बिल्कुल, दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया है। अभी इस मामले में सुनवाई जारी है। एसीबी की ओर से बताया जा रहा है कि रिमांड मांगी गई है। अब कितनी रिमांड मांगी गई है इस विषय में जो है एसीबी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दिव्या मित्तल से महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर जो मतलब उनका जो कॉन्स्टेबल था जिसके माध्यम से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जो कार्रवाई है वो की थी और रिश्वत की मांग की थी, इसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टीज है उन सभी के दस्तावेज भी जब्त हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर विस्तृत पूछताछ जो है एसीबी की ओर से की जानी है। सोमवार को जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था, 5 अलग अलग स्थानों पर जो है दबिश दी गई थी। वहां से जो दस्तावेज मिले हैं, जो कागजात मिले हैं, जो रकम मिली हो या फिर प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं उन सभी को संकेत करते हुए आज न्यायाधीश के समक्ष जो है उन सभी को पेश किया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति के साथ साथ जो एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया है उस विषय में जो है ये पूछताछ की जानी है, किस तरह से उनको परिवादी है उनको प्रताड़ित करके जो 2 करोड़ की डिमांड की गई थी, 2 करोड़ के बाद 50 लाख की बात की गई थी। और जी अशोक, चलिए तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी अशोक जो है वो लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एसीबी ने 5 जगहों पर दबिश दी और वहां से जो दस्तावेज मिले हैं उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के आधार पर जो यहां पर पूरी कार्रवाई होनी है वो होनी है। और इसके साथ ही एसीबी की तरफ से रिमांड भी मांगी गई है, हालांकि कितने दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी गई है और कितने दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाती है वो अभी देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल जिसे कल एसीबी मुख्यालय जयपुर गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी दिव्या मित्तल की तरफ से। इसके साथ ही एक आरोपी कांस्टेबल जो कि बर्खास्त किया गया है, काफी लंबे समय से बर्खास्त चल रहा है कांस्टेबल सुमित कुमार, वो अभी फरार चल रहा है और वो जो था वो इस पूरे घूसकांड जो मामले में शामिल था और उसी की तरफ से ये जो तमाम सौदेबाजी जो है वो की जाती थी, लेकिन फिलहाल वो फरार चल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है, दबिश दी जा रही है। और इधर दिव्या मित्तल को कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है। फिलहाल सुनवाई जो है वो यहाँ पर चल रही है। एसीबी की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर दलीलें जो है वो रखी जा रही हैं, क्या कुछ दस्तावेज जो कि 5 जगहों पर दबिश देकर एसीबी की टीम की तरफ से दस्तावेज एकत्रित किए गए हैं वो पेश किए जा रहे हैं, अब उसके आधार पर कोर्ट यहाँ पर अपना फैसला सुनाएगी, निर्देश देगी और कितने दिन। हमारे सहयोगी अशोक जो है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोनलाइन पर, उनका भी रुक कर लेते हैं। अशोक, बताया जा रहा है कि 5 जगहों पर दबिश दी गई थी और वहां से भी कुछ दस्तावेज जो है वो हासिल हुए हैं टीम को, उन दस्तावेजों में क्या कुछ यहां पर निकल कर सामने आया है, क्या इस तरीके की पहले भी कोई शिकायत जो आरोपी है दिव्या मित्तल उसके खिलाफ मिली थी एसीबी को?
जी बिल्कुल, 2010 बैच की जो है दिव्या मित्तल है, ऐसे में वो पहले उदयपुर में रही है। उदयपुर में इसी दौरान उनके पास बताया जा रहा है कि कुछ फ्लैट और एक रिसोर्ट उन्होंने वहां पर बना लिया। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर जो है उनकी पोस्टिंग रही है, तमाम स्थानों पर कुछ ना कुछ संपत्ति जो है उनकी रही है, ऐसी जानकारी लगातार मिल रही है। लेकिन एसीबी की ओर से इस मामले में स्पष्ट जानकारियां नहीं दी जा रही है, क्योंकि वह एक बार उसको न्यायालय में पेश करेंगे, न्यायालय के बाद जो अग्रिम अनुसंधान किया जाना है उस विषय में इस मामले को अभी तक मीडिया के सामने नहीं रखा है। आज जैसे ही न्यायालय में पेश किया गया है, तमाम दस्तावेज पहले न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे, तो न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। तो पांच स्थानों पर जो है दबिश दी गई थी, और इसी दबिश के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले थे, और अलग अलग जो जानकारियां हैं उन सभी को संकलित करते हुए एसीबी जयपुर टीम ने आज आरोपी जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनको पेश किया है। तो इस मामले में जो उनका जो कांस्टेबल है, इसके माध्यम से ये तमाम जो गतिविधियां संचालित की जा रही थी उसे लेकर भी जानकारी जुटाई जानी है, क्योंकि वो कहाँ है और उनके पास क्या क्या जानकारियां हैं महत्वपूर्ण, वो सभी जानकारियां जो है वो ली जानी है। तो संपूर्ण जानकारियों को लेकर आज कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ देर में ही न्यायाधीश की ओर से जो अग्रिम निर्देश है वो एसीबी को मिलेंगे, जिसके बाद ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जानी है, क्योंकि ये मामला जो है 2021 का है, और 2021 में जयपुर के साथ साथ अजमेर के रामगंज और अलवर के थाने में नस्ली दवाओं के रैकेट को लेकर जो है एक बड़ा खुलासा जो है पुलिस की ओर से किया गया था। इसी दौरान इसकी जांच जो है पुलिस के बाद एसओजी को दी गई थी, और इसमें बता दूं खासतौर पर कि जब पुलिस के पास जांच थी तो एक उपाधीक्षक सहित तीन सीआई जो है जांच के दौरान गड़बड़ी करते हुए पाए गए थे, जिन्हें जो है रेंज स्तर पर तबादला किया गया था, प्रशासनिक कार्रवाई उन पर की गई थी, और इसके बाद जो है ये जांच दिव्या मित्तल को सौंपी गई। तो अब जांच के घेरे में दिव्या मित्तल भी आ गई है। तो अब इस मामले में क्योंकि ये पैसे का खेल जो है बहुत बड़ा है, 16 करोड़ का जो नशीली दवाओं का मामला था, तो ऐसे में सभी को लगता है कि इतना बड़ा मामला है तो कितना बड़ा पैकेज जो है उनको मिलने वाला है। तो इन सभी बातों को लेकर जो है एसीबी की ओर से कागजात इकट्ठे किए गए हैं। कागजात इकट्ठे करने के बाद जो दस्तावेज है वो न्यायाधीश के समक्ष अभी पेश किए गए हैं। कुछ देर में अंदर जो फैसला होता है, जो निर्णय लिया जाता है, वो अभी कुछ देर में जो है एसीबी की ओर से अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे, जिसके बाद ही इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक, फिलहाल जो यहाँ पर सुनवाई है कोर्ट में चल रही है, लेकिन अशोक जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि जो आरोपी है वो क्या दिव्या मित्तल, उसके साथ एक कांस्टेबल भी जो कि काफी समय से बर्खास्त चल रहा था वो भी सम्मिलित था, सुमित कुमार जिसका नाम बताया जा रहा है, वो अब भी फरार चल रहा है, उसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, और क्या और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं जो कि इस पूरे घुसकांड में शामिल हो सकते हैं, लिप्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग और उनको लेकर कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, एडिशनल एसपी जैसे जो पद पर रहे हैं, अगर उनको अगर ट्रैप के मामले में, अगर इस मामले में रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, तो स्वाभाविक से बात है इसमें और भी कोई अधिकारी या फिर जो इनके निचले अधिकारी हैं वो भी लिप्त हो सकते हैं। तो इस विषय में एसीबी अपनी जांच कर रही है, कौन है कौन नहीं है इसके बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो उनका जो दलाल है, जो कांस्टेबल बखास कांस्टेबल है सुमित, उसकी तलाश को लेकर जो है एसीबी की ओर से अलग अलग टीम का गठन किया गया है, उसकी गिरफ्तारी जल्द हो इसे लेकर भी एसीबी अपनी कार्रवाई में जुटी है, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियां उसके पास है, सुमित के पास तमाम जो इनके काले कारनामे हैं उसकी जानकारियां हैं, क्योंकि तमाम स्थानों पर उनकी सुमित की भूमिका अहम रही होगी। इस हिसाब से 2 करोड़ की डील उसने इनके कहने पर की है, जैसे कि वीडियो फोन जो रिकॉर्डिंग मतलब सामने आई है, जैसे जो बात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो सुमित इनका कहना है दिव्या मित्तल का, जो सुमित कहे वह आप मान लीजिए। तो ऐसे में इतना अगर उन पर निर्भर है तो सुमित के ऊपर बड़े संगीन आरोप भी लगते हैं, और सुमित अगर गिरफ्तार होता है तो स्वाभाविक सी बात है कई जानकारियां उससे मिल सकती है। तो इस विषय में अब सुमित को गिरफ्तार को लेकर जो है एसीबी अपनी जांच में जुटी है। इसके साथ ही दिव्या मित्तल को जो पेश किया है उसके बाद जब रिमांड लेंगे तो रिमांड के बाद दिव्या मित्तल से भी कई जानकारियां निकल सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने बनाई है, एक झुंझुनू से निकल के इतने बड़े पद पर अगर वह गई है, और पद का जो दुरुपयोग लगातार किया गया है, तो उस मामले में जो है एसीबी द्वारा
न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान जो भी किया जाना है वो न्यायाधीश के निर्देश पर ही किया जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अशोक, फिलहाल नजरें यहाँ पर इसी बात पर बनी हुई है कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है, कितने दिन के रिमांड यहाँ पर सौंपी जाती है वो देखने वाली बात होगी। इंतजार बस कोर्ट के आदेश का यहाँ पर। अशोक बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।